हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बनाना बताएंगे ड्राई मसाला पूड़ी। ड्राई मसाला पूड़ी कैसे बनाई जाती है? अगर आपने अभी तक हमारी हेल्दी साइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए पहले हम सामग्री जान लेते हैं, मसाला पूड़ी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हमको। ये देखिए, ये हमारे पास आटा है, ये 300 ग्राम आटा है, 15 पूड़ी का आटा, इसमें 15 पूड़ी बन जाती हैं। और ये हमारे पास धनिया पाउडर है, ये हमारे पास अजवाइन है, और ये हमारे पास सॉल्ट है, और ये हमारे पास हल्दी है, और ये हमारे पास ब्लैक पेपर है जिसको बोलते हैं काली मिर्च, और ये हमारे पास रेड चिल्ली है, और ये हमारे पास ड्राई हर्ब्स है, इसमें मिक्स हर्ब्स है हमारे पास, इसमें ड्राई पुदीना है एंड ड्राई कढ़ी पत्ता है और ड्राई धनिया है। ये हमारे पास 3 हर्ब्स हैं, ये मिक्सर बनाया हुआ है हमने। ये देखिए, ये ड्राई करके रखना पड़ता है और इसको क्रश कर लिया, जब भी आप पूड़ी बनाएं इसको क्रश कर लें। और ये हमारे पास हींग है। तो अभी हमें इसमें कितना मसाला डालना है ये आप जान लीजिए। ये देखिए, ये हम जो ड्राई हर्ब्स है ये पूरा इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए, ड्राई हर्ब्स पूरा डाल लिया है हमने इसमें। और हल्दी हम इसमें, ये देखिए, हाफ टी स्पून हल्दी डाल लेते हैं, और हाफ टी स्पून रेड चिल्ली डालते हैं, और हाफ टी स्पून हम ये ब्लैक पेपर डालते हैं, ये देखिए, और 1 टी स्पून हम अजवाइन डालते हैं, और 1 टी स्पून हम धनिया पाउडर डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और अभी हम 2 पिंच हींग डाल लेते हैं। ये देखिए, 2 पिंच हमने हींग डाला है इसमें। अभी हमको इस आटे को गूंदना है, और आटा गूंदने के लिए हमको पानी भी चाहिए। तो आइए अभी हम आटा गूंदते हैं। ये देखिए, हम इसको जो है अभी मिक्स कर लेते हैं। इसमें सारे ड्राई हर्ब्स हमने डाल के इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, पूरा अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना नमक आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, या नमक कोई सा भी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, जैसे काला नमक हो गया, या कई तरीके के बाजार में नमक आते हैं, तो आपको जो सा पसंद हो आप वो डालते हैं। हमने इसमें टाटा सोल्ट डाला है। ये देखिए, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है जगह जगह पे ना आए, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, अभी हम इसको पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। इस तरीके से हम इसको गूंदते जाएंगे। एक ध्यान रखना है, हमें पूड़ी का आटा हमेशा टाइट गूंदना होता है। जितना आप टाइट आटा गूंदेंगे उतना क्रिस्पी पूड़ी आएंगी और फटाफट तली जाएंगी, उसमें टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, हम किस तरीके से टाइट आटा गूंद रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अभी हमारा आटा गूंदकर रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल गूंदकर रेडी है, एकदम सॉफ्ट आटा। अभी इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। हम इसको एक कपड़े से ढककर और रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए, हमारा आटा अभी पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमने, ये देखिए, इस तरीके से इसके गोले बनाए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम आटे के गोले बना लेंगे और इसको बेलने के लिए यहाँ पे रेडी करेंगे। अभी ये हमने यहाँ पे कढ़ाई में घी रखा है। ये देखिए, ये घी गरम हो रहा है, इसको रिफाइंड बोलते हैं। रिफाइंड अभी गरम हो जाएगा तो हम इसको तल लेंगे, पूड़ी बेलेंगे और हम तलेंगे। घी चेक करने के लिए हमको छोटा सा आटा डाल के देखना पड़ता है कि ये हमारा रेडी हुआ या नहीं। अभी हमारा घी रेडी हो रहा है और 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए, देखिए, अभी हम इस तरीके से पूड़ी को बेल लेंगे। ये देखिए, पूड़ी को हम एक राउंड शेप देते हैं, कई लोग लंबा शेप भी देते हैं। आप राउंड दें या लंबा दें, आप किसी भी तरीके की पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने राउंड शेप में बनाई है। ये देखिए, और अभी हम ये
दूसरा शेप में बना सकते हैं। इस तरीके से आप ये वाला शेप बना सकते हैं। ये देखिए बड़ा इजीली बन जाता है। आटा सॉफ्ट होना चाहिए और आटा टाइट होना चाहिए बस। फिर आप फटाफट पूड़ी बनाते जाएंगे। ये देखिए कोई भी शेप आप पूड़ी को दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये दोनों शेप हमने पूड़ी का दिया है। ये देखिए अभी हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए ये तलने के लिए रेडी है। कैसे हमारा पूड़ी तल रहा है। इसी प्रकार आप सारी पूड़ी तल के निकाल लेंगे। एक एक पूड़ी तलते जाएंगे और निकालते जाएंगे, जैसे हमने आपको दिखाया है। एक एक पूड़ी बना लें और तल लें। पहले पूरे आटे के गोले बना लें, जितना भी आपको गोला पसंद है, मोटा या पतला। ये देखिए ये फूल कर भी तैयार हो गया है। ये देखिए हमने जो राउंड शेप का पूड़ी बनाया था वो हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। देखिए ये देखिए बस तेल रेडी होना चाहिए, फिर फटाफट पूड़ी बनती है। हमारी 20 मिनट में पूड़ी बनकर रेडी हो जाती है। आटा लेने के बाद, आटे में पूरी सामग्री ऐड करने के बाद, फिर आटा रेस्ट करने के लिए 10 मिनट चाहिए होता है। इसके लिए हमको 20 मिनट लगते हैं। तलने में हमारा मोस्टली 5 मिनट जाता है। ये देखिए किस तरीके से हमारी पूड़ी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए जैसे हमने आपको बताया था, वो सामग्री में 10 से 15 पूड़ी बनेगी। हमारी 15 पूड़ी बनकर रेडी है। ये देखिए पूरी फूली हुई पूड़ी है। ये देखिए हमारी पूरी पूड़ी बनकर रेडी है। 5 मिनट में पूड़ी तली गई है। सिर्फ 5 मिनट के टाइम में 15 पूड़ी तली जाती है। ये देखिए अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी हेल्थी साइट को सब्सक्राइब जरूर करें। हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। देखिए।